Welcome to my channel, Master Food Secret. Subscribe my channel. Also, like, share, comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मास्टर फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। आइए इस नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी। इसके लिए मैंने प्याज ली है, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरा धनिया। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज हमारी होने वाली है ब्राउन। प्याज मैंने तकरीबन एक ली थी मीडियम साइज की। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट एक भर पर टेबल स्पून डाला मैंने। अब इसमें हरी मिर्चें और टमाटर डाल देते हैं। एक बड़ा साइज का टमाटर लिए, तीन हरी मिर्चें लिए। अब इसमें हल्दी और किसी मिर्च, हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली है और मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम गोभी डाल देते हैं। और साथ ही हम आलू डाल देते हैं। गोभी और आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के पकने रख देते हैं ताकि हमारी गोभी अच्छी तरह गल जाए, आलू हमारे अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी गोभी हो चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। अब मैंने इन्हें डिश आउट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अगर हरा धनिया डाल दिया,
अदरक से स्किन है बादीपन ख़त्म हो जाता है, गोभी और आलू बादी होते हैं तो इसलिए अदरक बहुत ज़रूरी डालिएगा। अब इस पे अदरक डाल देते हैं, अदरक लाजमी डालिएगा क्योंकि अदरक से इसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहले पकाते में भी एक भर के चम्मच लहसुन अदरक का डाला था। हरे धनिया से गार्निश करते हैं और ये पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाल लें। माशाल्लाह देखिए बड़ी ज़बरदस्त बनी है आलू गोभी और बहुत मज़े की है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था वो मैंने डाल लिया था, लेकिन माशाल्लाह बाकी मिर्चें बिल्कुल सही हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। आप इजाज़त चाहती हूँ मेरी तरफ़ से सबको। अल्लाह हाफिज़।